समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर फिरोजाबाद की शिकवाबाद विधानसभा में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पूर्व सांसद अक्षय यादव, एमएलसी दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष रमेश चंचल के साथ साथ काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां पहुंचकर उन्होंने वहां की क्षेत्रीय लोगों से अपनी बात कही और कहा कि फिरोजाबाद की 5 विधानसभाओं पर सभी लोग साइकिल चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर विधायक बनाएं, जिससे अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके और एक युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में फिर से आ सके। वहीं गांव चमरौली में शहीद विजय भान के नाम से बनाए गए द्वार का भी लोकार्पण पूर्व सांसद अक्षय यादव ने किया और शहीद विजय भान के गाँव पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर जगह जगह जनता के बीच जा रही है और अपील कर रही है कि वह समाजवादी पार्टी को वोट दें। वहीं फिरोजाबाद की 5 विधानसभाओं पर जो भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे अभी किए नहीं गए हैं। इस मौके पर पूर्व सांसद अक्षय यादव के साथ एमएलसी दिलीप यादव व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग सुखवाबाद विधानसभा में भ्रमण पर निकले हैं, जिसमें हम लोग समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों को, दलितों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को परेशान करा है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। आज चमरौली में क्या खास कार्यक्रम हुआ? आज चमरौली में हम लोग आए, यहाँ पर श्री विजय भान सिंह जी शहीद हो गए थे, इनके नाम का द्वार बना है, उसका उद्घाटन करा है और उनकी मूर्ति पे माला अर्पण करी है। अच्छा, अब तक कितने प्रत्याशी घोषित कर चुकी समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद विधानसभा? ऐसा है, अभी औपचारिक रूप से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं करा गया है, सारे रूपरेखा तय हो चुकी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी घोषणा करेंगे। अच्छा, आज पूरे सारे कार्यक्रम दिलीप यादव जी के साथ हैं, तो मान लिया जाए कि सुखावत विधानसभा से दिलीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग सुखावत विधानसभा में जनता को जागरूक कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बाकी पूरे समाजवादी पार्टी के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, जितने उम्मीदवार हैं सबको सूचना है, यहाँ पर आना है प्रोग्रामों में। दिलीप यादव जी हमारे साथ है, निषाद जी हमारे साथ चल रहे हैं, सब लोग वोट मांगने का